सर uh, so नमस्कार कैसे हैं आप सब आज हम लोग बात करने वाले हैं सी यू सेट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि इस चैनल पर सी यू सेट की वीडियो नहीं आ रही है सी ऊ सेट की वीडियो नहीं आ रही है तो हमारा एक पूरा का पूरा सी यू सेट का ही चैनल है जिस पर मैंने जस्ट अभी जो शुरू किया कुछ दिन पहले ही तो सारी की सारी जो सी यू सेट की अपडेट है वो उसी चैनल पर हम लोग अपलोड करने वाले हैं तो आप एक काम कीजिए उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है उस पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियो डाल दी मैंने सी ऊ सेट की तो आपको वो भी दिख जाएगी और हाँ उस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ सी यू सेट का ही कंटेंट है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए

So, अभी तक ये फाइनल अपडेट है इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि सीएसट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा तो मैंने जो दो हमारा नया चैनल है उसमें मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि अब तक जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं जो कुछ भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एग्जाम पैटर्न जो सिलेबस होने वाला है वो क्या होने वाला है तो आप उसको भी देख सकते हैं और अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता भी देता हूँ तो देखिए सी यू सेट जो है उसके अंदर ऐसा माना जा रहा है जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि आपके दो सेक्शंस होने वाले हैं सेक्शन ए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है एंड सेक्शन बी जो होगा डोमेन स्पेसिफिक होगा अब ये तो आप सबको पता है अब आप, आप कहोगे इसके अंदर नया क्या है <laughs> तो इसके अंदर नया है कि हम थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर आज बात करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर जैसे कि मान लीजिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो

इसके अलावा फिर वहां पर आपका लॉजिकल रीजनिंग आ सकता है जिसके अंदर देखो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं Dices के होते हैं कैलेंडर्स के होते हैं डायरेक्शंस के होते हैं ब्लड ब्लड जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उसके होते हैं अल्फाबेट टेस्ट के होते हैं तो इस तरह के आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अलावा फिर आपका वर्बल का सेक्शन आ सकता है जिसके अंदर आपकी ग्रामर हो गई या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है इसके अलावा वोकैबलरी हो सकती है तो रूट वर्ड्स वगैरह होते हैं तो इस तरह का यहां पर आपको सेक्शन देखने को मिल सकता है इसके अलावा मैं क्वांस की बात करूँ तो क्वांट्स में देखिए ट्वेल्थ क्लास का मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है वाले जो क्योंकि सभी के लिए होगा हो सकता है जो मैथमेटिक्स ओनर्स के लिए दे रहे हो उसके अंदर डोमेन स्पेसिफिक में ट्वेल्थ क्लास का मैथ आ लेकिन यहां पर सिर्फ और मुझे लग रहा है टेंथ क्लास तक का बेसिक मैथ्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो इस तरह से आपका जो पूरा का पूरा हम बोल सकते हैं कि जो आपका आ, जो सेक्शन ए है वो इस तरह से डिजाइन हो सकता है एंड जो डोमेन स्पेसिफिक की बात है यहां पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन अभी भी है जब तक ऑफिशियली अपडेट नहीं आती है तब तक कंफ्यूजन रहेगी ही, ही रहेगी और कंफ्यूजन ये है कि जो आपको डोमेन स्पेसिफिक होने वाला है उसके अंदर देखिए मान लीजिए कोई हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है तो एक तो ये हो सकता है कि उसके अंदर हिस्ट्री का ही पूरा का पूरा सिलेबस आए दूसरा ये हो सकता है आपका पूरा आर्ट्स का सिलेबस आ जाए तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के उसके अंदर पूरा का पूरा एक आपके जो सारे के सारे कोर्सेज है वो आएंगे या फिर एक सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा तो ये थोड़ा सा देखना होगा तो मुझे लग रहा है कि इसी तरह आपका का, का, आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होने वाला है यहां पर एक और बड़ी कंफ्यूजन है और वो भी तभी क्लियर हो सकती है जब डेलीसिटी या फिर जो सूसैट ऑफिशियली अनाउंस करें कि स्ट्रीम चेंज पर क्या होने वाला है ये मतलब बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है सवाल मुझसे कि अगर मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है उसे करने हैं आर्ट्स के कोर्स तो क्या सब, जो डोमेन स्पेसिफिक है उसके अंदर आर्ट्स के ही सवाल पूछे जाएंगे तो मुझे तो भाई 99 परसेंट यही लग रहा है कि अगर आप स्ट्रीम चेंज करते हो तो आपसे वही चीजें पूछी जाएंगी जिस कोर्स के अंदर आप जाना चाहते हो मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो साइंस से तो हिस्ट्री की मुझे लग रहा है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि आप वही फ्यूचर में परस्यू करने वाले हैं लेकिन फिर भी जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते एंड एग्जैक्टली exactly जब तक जो सी यू सेट है जब तक वो अपने ऑफिशियली सिलेबस ऑफिशियली अपने एग्जाम पैटर्न रिलीज नहीं करते हैं तब तक भी हम लोग एक्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये आपका सिलेबस होने वाला है आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है तब तक हम एग्जम्पन्स लगा सकते हैं जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं जो भी नोटिस आ रहे हैं उन सभी को देख करके इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट एक और सवाल पूछते हैं कि फ्यूचर की प्रिपरेशन कब करवाओगे प्रिपरेशन कब करवाओगे तो देखिए जब तक गवर्नमेंट अपना सिलेबस एंड अपना एग्जाम पैटर्न 101 परसेंट रिलीज नहीं कर देती है तब तक हम आपकी प्रिपरेशन नहीं करवा सकते जिस दिन गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया उससे नेक्स्ट नेक्स्ट डे हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देंगे लेकिन उससे पहले हम लोग नहीं करवाने वाले हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑलरेडी करवा रहे हैं और कर, मतलब उनकी मर्जी भाई करवा भी सकते हैं लेकिन हम तब तक नहीं करवाएंगे जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस रिलीज नहीं करेगी सो आई होप चीजें क्लियर हो गई और हाँ एक चीज़ और कि जब गवर्नमेंट आपका ऑफिशियल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न रिलीज करेगी तो ऑब्वियसली भाई आपको थोड़ा सा टाइम भी देगी प्रिपरेशन के लिए ऐसे तो नहीं कि एग्जाम पैटर्न रिलीज करते नेक्स्ट डे आपका पेपर ले लेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम भी मिलने वाला है तो इतने ज्यादा जल्दबाजी मत करो मान लीजिए आप कहीं पर ज्वाइन कर लेते हो दे उसके बाद वो सिलेबस एंड वो एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है फिर आप क्या करोगे तो इसलिए प्रिपरेशन आप सिर्फ तभी करो जब ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न सिलेबस आ जाए अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो सारी सारी न्यूज आर्टिकल्स नोटिस वहां से उठा करके मैंने आपको कंपाइल करके ये सब चीजें बताई हैं सो so, आई होप चीजें क्लियर हो गई है सूसैट को लेकर अभी अभी तक क्या, क्या अपडेट आई चुकी है और हाँ एक एक अपडेट हो रही थी स्यूसेट को लेकर के उसके अंदर यह था कि सूसेट जो है वो आपका अलग अलग थर्टीन टू फोर्टीन लैंग्वेजेस के अंदर होने वाला है जितने भी हमारे सेंट्रल जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं उन सभी के अंदर भी आपका सूसेट होने वाला है सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई आप एक काम कीजिए आप सीसाइड का जो हमारा दूसरा चैनल है उसको आप फॉलो कर लीजिए वहाँ पर सारी की सारी अपडेट्स आने वाली हैं सो so, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है उस चैनल का सो बाय बाय और भी अपडेट्स आती रहेंगी उसी चैनल पर